नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है रोमियो, और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमियो रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा के बाउंडर के है, जो 2024 में रिलीज हुई थी। ये तमिल भाषा की भारतीय फिल्म नायक बैद्यनाथन के निर्देशक की पहली फिल्म है, जो पहली सहायक निर्देशक के रूप में काम करते थे। कहानी उनके दृष्टिकोण और मुख्य अभिनेता विजय एंटोनी की पत्नी मीरा विजय एंटोनी के निर्माण के तहत सामने आती है। इस प्रेम कहानी के लिए मिरन लिनी रूबी स्क्रीन पर विजय एंटोनी के साथ शामिल होंगी। इस दृश्य में लवंगुत बारात धनशेखर और रवि राय पोस्टर साउंड ट्रैक तैयार किया, जो फिल्म की भावनाओं को पूरा करता है। फारूक जो बास ने अपनी सिनेमाटोग्राफी में माध्यम से दृश्यों को कैद किया, जबकि विजय एंटोनी ने खुद संपादक की भूमिका निभाई और फिल्म निर्माण प्रक्रिया में एक अनूठा स्पर्श जोड़ा। ग्लोब ट्रोटिंग कहानी दर्शकों को मलेशिया, बैंकॉक, हैदराबाद, बेंगलोर, तेनकामी और महाबलिपुरम सहित विभिन्न स्थानों की यात्रा पर ले जाती है। 2024 तमिल रेम काम रोमियो पर है। तरम के रहे एक सफल व्यवसायी अरिबाजगन और एक भावुक लेकिन संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबु मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया है। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उसके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉरपोरेट नौकरी है, जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबु के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें उसके सामने आई असहयोग की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिबाजगन, जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है, कि भूमिका कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिरलिनी रवि है, जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष पर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्र निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश रिबू की चाह की भूमिका निभाते हैं, जो संभवतः योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहार देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं, जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बसरसु, थलाई बसल, विजय सुधा और सीजा रवि है, जो रिबू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था, लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं होगी, जबकि रिटोप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। लिनोन अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डिनल की अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और लगाया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोड़ गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की, जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई। वो बातचीत ने बहल गई, शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं
वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उसका मतलब था कि पार्क ने इमिना से हटला के एलिनोर प्रत्येक भव्यों के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता है। एक अनोखे चाय की दुकान पर अर्ल ग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशी दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नजर देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार ने सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंतियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर की पुस्तक भेंटी की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकरा जिससे एक चिंगारी निकली। इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले शख्स के लिए थी के रिश्तेदार पैदा कर रही थी। एक शरण के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया। एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है कुछ वास्तविक और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया। उसके ठोंटों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक भला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की युग्ल तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्तों के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जुड़ने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाली शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना, लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए। तो उन्होंने खुलकर बात करना एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के खुले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ धावकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे। तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक प्राचीन मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगी? लेनोर ने आंखों से आंसू आ गए। वे दुख आया भाई के आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत। अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिनिधता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले अयर पत्थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नृत्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी। एथेल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है। घर की तलाश में नहीं था, फिर भी दुकान की शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद
हफ्तों में बदल गए और अथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था, बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा के बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफ्तानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़ी की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छु विवरणों की सराहना करती थी जो बीत योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लारा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल गई। उसने एक युवा जोड़ की दर्शाया गया है, उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लारा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। अतन ने उसकी परेशानी की महसूस करते तस्वीर को उझाया, उसकी नजरें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में झिझक रही थी। ऊपर देखा उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई। प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉरपोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने को बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जिसमें उसके सामने आई आश्चर्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिबाजगन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिलनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्तन निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू की चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवतः योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहा देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिबू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रों प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहोगी जबकि रिटॉप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। एलिनोर अपनी चांदी के बालों के बड़े किरणों के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डियन के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और गया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने था कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोर गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई। वो बातचीत ने बहल गई शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं
वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के एलिनोर प्रत्येक भव्यों के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता एक अनोखे चाय की दुकान पर अर्ल ग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशी दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नज़र देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाइलिफ पर शिलालेख प्यार ने सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंक्तियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली। इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले सर्च के लिए थी रीड के रिश्वन पैदा कर रही थी। एक शरण के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया एलनोर में ठीक है मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है कुछ वास्तविक और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंगबर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया उसके ठोंटों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक भला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की उग्र तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमल्ली की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जानने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाले शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना, लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया उसकी आवाज़ धामुकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी एक मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। एलेनोर ने क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी। एलेनोर ने आंखों से आंसू आ गए वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी एक सुंदर अंत अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिबद्धता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सकते वाली मुस्कान के साथ कहने कहा हाँ डेविड हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले अयर पत्थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी एथेल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है घर की तलाश में नहीं था। फिर भी दुकान की शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन के लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद
हफ्तों में बदल गए और एथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की खुबड़ी की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छु विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लारा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल के उसने एक युवा जोड़ की दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लारा की दिल को छलनी कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी को महसूस करते तस्वीर को उझाया। उसकी नज़रें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। क्या ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जिसमें उसके सामने आई आश्चर्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाजगन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है की का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिलनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष पर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्र निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू के चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवत योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहा देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिव्यू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियों प्रभावशाली हो रहेगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमा अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंतत उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानिक बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन यह भारत में अनुमानिक कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहोगी जबकि रिटॉप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। एलिनोर अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डियन के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और लगाया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोर गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल खा जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई। वो बातचीत ने बहल गई शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं
वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के एलिनोर प्रत्येक भव्यों के पैर के पीछे के इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता एक अनोखे चाय की दुकान पर अलग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशी दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी। लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नज़र देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर। वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार ने सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंतियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली। इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले शख्स के लिए थी के रिश्वन पैदा कर रही थी। एक शरण के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया एलनोर में ठीक है मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है कुछ वास्तविक और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया उसके ठोंठों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक वाला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की युग्ल तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्तों के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जानने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्रों के साथ आने वाले शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना। लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलनोर के उसने शुरू किया उसकी आवाज़ धावकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूंगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी एक प्राचीन मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने क्या तुम मुझे शादी करना चाहोगी। लेनोर ने आंखों से आंसू आ गए वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी एक सुंदर अंत अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिबद्धता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा हाँ डेविड हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले अयर थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी एथल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है घर की तलाश में नहीं था। फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद
हफ्तों में बदल गए और एथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफ्तानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की खबरी के उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छु विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लारा जिस पोशाक के जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल के उसने एक युवा जोड़ के दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटे पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लारा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी की महसूस करते तस्वीर को उझाया। उसकी नजरें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। ऊपर देखा उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबु मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबु के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जिसमें उसके सामने आई आश्चर्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबु के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनामिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाजगन जिसे अरिबु के नाम से भी जाना जाता है कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिलनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्र निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबु की चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवतः योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहाय देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्यों की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसु थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिबू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रही है। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावना तक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहेंगी जबकि रिटोप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। लिनोन अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डियन के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और लगाया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोड़ गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की। जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई वो बातचीत ने बहल गई शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं
वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उसका का मतलब था कि पार्क ने इमिना से हटला के एलेनोर प्रत्येक भव्यों के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है, और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता है। एक अनोखे चाय की दुकान पर अर्ल ग्रे के गर्मा गर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशी दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नजर देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार नहीं सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंतियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली। इसने उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उसके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले सर्च के लिए थी के रिश्वन पैदा कर रही थी। एक शरण के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है कुछ वास्तविक और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंटों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक भला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की उग्र तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ कुछ अजीब क्षण में। ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जुड़ने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाली शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना, लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धावुकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे, तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। एलेनोर ने, क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी? एलेनोर ने आंखों से आंसू आ गए, वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत, अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिनिधिता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले अयर थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझकत रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी, एथेल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले पर फेवर शॉट का पीछा करते हुए घर की तलाश में नहीं था। फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद
हफ्तों में बदल गए और एथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपनी दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा के बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़ी की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक छुक विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लारा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल गई। उसने एक युवा जोड़ के दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लारा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी को महसूस करते तस्वीर को उझाया। उसकी नज़रें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। क्लारा ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई। प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जिसमें उसके सामने आई आश्चर्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाजगन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिलनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्तन निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू की चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवतः योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहा देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिबू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रों प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहेंगी जबकि रिटॉप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। लिनोन अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डियन के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और गया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने था कि यह दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोर गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की। जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई वो बातचीत ने बहल गई शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं
वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के एलिनोर प्रत्येक भव्य के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता एक अनोखे चाय की दुकान पर अर्ल ग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रतिशाही दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नजर देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार ने सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंक्तियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली। इसने उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले सर्च के लिए थी रीढ़ के रिश्वत पैदा कर रही थी। एक शरण के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है कुछ वास्तविक और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंगबर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंठों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक वाला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की युग्ल तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी वोल्टेज की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जुड़ने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाले शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना, लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धावुकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे, तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। एलेनोर ने, क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी? एलेनोर ने आंखों से आंसू आ गए, वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत, अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिबद्धता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड, हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले यार थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी, एथल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है। घर की तलाश में नहीं था, फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन के लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद
हफ्तों में बदल गए और एथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था, बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफ्तानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की खुबड़ी की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छ विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लारा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल के उसने एक युवा जोड़ की दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लारा की दिल को छलनी कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी को महसूस करते तस्वीर को उझाया। उसकी नजरें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। क्या ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने को बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जिसमें उसके सामने आई असहयोग की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाचकन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है की भूमिका कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिरलिनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्र निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू की चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवत योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहार देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिव्यू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमा अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंतत उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानिक बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन यह भारत में अनुमानिक कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहोगी जबकि रिटोप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। एलिनोर अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डिनर के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और लगाया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोर गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल खा जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई। वो बातचीत ने बहल गई, शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं
वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने एमिना से हटला के एलेनोर प्रत्येक भव्यों के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता है। एक अनोखे चाय की दुकान पर अलग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशी दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नज़र देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पड़ी। वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार ने सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंतियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली। इसने उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलों पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की पंक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले सर्च के लिए थी रीड के रिश्वन पैदा कर रही थी। एक शरण के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया। एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए बेहतर स्तर पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है, कुछ वास्तविक है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंगबर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंटों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक भला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की युग्ल तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा से जो और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्तों के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जानने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाले शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना। लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार्य असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज के सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धामुकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे। तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक प्राचीन मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी? लेनोर ने आंखों से आंसू आ गए। वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत। अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिबद्धता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले यार थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी, एथल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है। घर की तलाश में नहीं था, फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद
हफ्तों में बदल गए और एथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफ्तानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़ी की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छु विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लारा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल के उसने एक युवा जोर की दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटे पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लारा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी को महसूस करते तस्वीर को उझाया। उसकी नजरें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। ऊपर देखा उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जिसमें उसके सामने आई आश्चर्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाचकन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिलनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष पर रही एक भावुक अमितनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्र निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू की चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवतः योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहा देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिबू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रही है। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावना तक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहोगी जबकि रिटॉप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। लिनोन अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डिनर के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और गया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोड़ गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की। जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई वो बातचीत ने बहल गई, शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं
वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने इमिना से हटला के एलिनोर प्रत्येक भव्यों के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता है। एक अनोखे चाय की दुकान पर अर्ल ग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशी दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रत्याशी दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नजर देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाइलिफ पर शिलालेख प्यार नहीं सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंतियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंटी की तो उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली। इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले सर्च के लिए थी रीढ़ के रिश्वन पैदा कर रही थी। एक शरण के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है, कुछ वास्तविक है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंटों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक भला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की युग्र तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ कुछ अजीब क्षण में। ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जानने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाली सारी सीमाओं पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना, लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के खुले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धामुकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे, तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने, क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी? लोर ने आंखों से आंसू आ गए। वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत। अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिबद्धता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड, हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले अयर पत्थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी, एथेल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है। घर की तलाश में नहीं था, फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद
हफ्तों में बदल गए और एथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था, बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा को बीच योगो की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफ्तानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़ी की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छु विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लारा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल के उसने एक युवा जोड़ की दर्शा गया है। उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लारा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी को महसूस करते तस्वीर को उझाया। उसकी नजरें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। क्या ऊपर देखा, उसकी आंखों असुपूरित आंसुओं से भर गई। प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग माया लेकिन अंतत एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने को बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जिसमें उसके सामने आई असह्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाजगन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिलनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्तन निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू के चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवत योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहा देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिव्यू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन ये भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहेंगी जबकि रिटॉप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की। बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। एलिनोर अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लेप्टोकर और कार्डिनर के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और गया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने था कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोर गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल खा जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई। वो बातचीत ने बहल गई शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं
वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के एलिनोर प्रत्येक भव्य के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता एक अनोखे चाय की दुकान पर अर्ल ग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशी दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नज़र देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार ने सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंक्तियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली। इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले सर्च के लिए थी के रिसर्च पैदा कर रही थी। एक शहरन के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया एलनोर में ठीक है मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है कुछ वास्तविक और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया उसके ठोंटों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक वाला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की युग्ल तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो की एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जुड़ने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाले शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना। लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया उसकी आवाज़ धामुकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी एक प्राचीन मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। एलेनोर ने क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी। एलेनोर ने आंखों से आंसू आ गए वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी एक सुंदर अंत अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिबद्धता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा हाँ डेविड हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले अयर थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी एथेल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है घर की तलाश में नहीं था। फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद हफ्तों में बदल गए और एथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपनी दुनिया की एक
रास्ता में से बचने के लिए क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़ी की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छुक विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लारा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल के उसने एक युवा जोड़ की दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटे पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लारा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी को महसूस करते तस्वीर को उझाया, उसकी नजरें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। क्लारा ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई। प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया है। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जिसमें उसके सामने आई असहयोग की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाजगन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है कि भूमिका कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिरलिनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्तन निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू की चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवत योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहार देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसु थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिव्यू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहेंगी जबकि रिटोप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। लिनोन अपनी चांदी के बालों को बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डिनल के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और गया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोर गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की। जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई वो बातचीत ने बहल गई शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं, वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उसका मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के
एलेनोर प्रत्येक भव्यों के पैर के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है, और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता है एक अनोखे चाय की दुकान पर। अर्ल ग्रे के गर्मा गर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रतिशाही दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नजर देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार ने सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंतियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंटी की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकरा जिससे एक चिंगारी निकली इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलों पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले शख्स के लिए थी के रिश्वन पैदा कर रही थी। एक शहरन के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है कुछ वास्तविक और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंठों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक भला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की उग्र तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जानने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाले सारी सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना, लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार्य असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज के सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धावकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे। तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक प्राचीन मणि जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने, क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगी? लेनोर ने आंखों से आंसू आ गए। वे दुख आया भाई के आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत। अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिबद्धता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले यार पत्थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नृत्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझकते रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी, एथल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है। घर की तलाश में नहीं था, फिर भी दुकान की शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबुद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद हफ्तों में बदल गए और अथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़े की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन
सूक्ष्म विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लोरा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल गई। उसने एक युवा जोर की दर्शाया गया है, उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लोरा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। रतन ने उसकी परेशानी को महसूस करते हुए तस्वीर को उझाया, उसकी नज़रें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। क्लोरा ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई। प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकर अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें उसके सामने आई आश्चर्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनामिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाजगन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिलनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष पर रही एक भावुक अमितनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्र निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू की चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवतः योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहार देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिबू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहोगी, जबकि रिटॉप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। लिनोन अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डिनर के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और गया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोर गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की, जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई। वो बातचीत ने बहल गई शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं, वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उसका मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के एलेनोर प्रत्येक भव्य के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता है। एक अनोखे चाय की दुकान पर अर्ल ग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशी दिल के दर्द के लिए
एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नजर देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार ने सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंक्तियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली, इसने उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले सर्च के लिए थी रीढ़ के रिश्वत पैदा कर रही थी। एक शरण के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ, मेरे बीच एक चिंगारी है कुछ वास्तविक और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंगबर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंटों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक भला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की उग्र तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ कुछ अजीब क्षण में। ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जानने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना शिक्षित उम्र के साथ आने वाली शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना, लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के खुले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धावकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे, तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला, अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने, क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी? लेनोर ने आंखों से आंसू आ गए, वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत, अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिबद्धता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले यार पत्थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था, रोमांस की तलाश नहीं कर सकी। एथेल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है, घर की तलाश में नहीं था। फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद हफ्तों में बदल गए और अथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़ी की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छ विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लोरा जिस पोशाक के जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल के उसने एक युवा जोड़ की दर्शा गया है। उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटे पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लोरा की दिल को
छलनी कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। इतन ने उसकी परेशानी को महसूस करते तस्वीर को उझाया, उसकी नज़रें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है, उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। क्या ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई प्यार, और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने को बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें उसके सामने आई आश्चर्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाचकन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिरलिनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष पर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्तन निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू के चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवत योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहा देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिव्यू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहोगी, जबकि रिटोप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। एलिनोर अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डिनर के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सौजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और गया था। उसने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि यह दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोर गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की। जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई वो बातचीत ने बहल गई शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं, वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के एलेनोर प्रत्येक भव्यों के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता एक अनोखे चाय की दुकान पर अलग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशाई दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नज़र देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार नहीं सिर के खोजने के लिए तब भी जब
पतझर की पंक्तियों की गिरती थी, उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर की पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली, इसने उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा, नियमित डेबिट को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले सर्च के लिए थी के रिसर्च पैदा कर रही थी। एक शरण के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है, कुछ वास्तविक, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंठों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक वाला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की युग तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा से जो और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जानने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्रों के साथ आने वाले शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना। लेकिन दुर्भाग्य बाधाए होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धावकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे। तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक प्राचीन मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने, क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी? लेनोर ने आंखों से आंसू आ गए। वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत। अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिबद्धता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड, हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले यार थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी, एथल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है। घर की तलाश में नहीं था, फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबुद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद हफ्तों में बदल गए और एथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपनी दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा के बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़े की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छु विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लोरा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल के उसने एक युवा जोड़ की दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटे पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लोरा की दिल को छलनी कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी की महसूस करते तस्वीर को उझाया, उसकी नज़रें उम्र कम कर दिया है। क्या वो आपको याद आती है? उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ में झिझक रही थी।
क्लैन ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई। प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया है। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें उसके सामने आई असहयोग की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनार्मिली रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाजगन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिलनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्र निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू की चाह की भूमिका निभाते हैं जो संभवतः योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहार देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बसरसु थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिबू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं होगी, जबकि रिटॉप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। लिनोन अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डिनल की अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और लगाया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक खसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोड़ गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की। जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई वो बातचीत ने बहल गई शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं, वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने इमुना से हटला के एलेनोर प्रत्येक भव्यों के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियों बुनता एक अनोखे चाय की दुकान पर अलग्रे के गर्मा गर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशाई दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी लेकिन यहाँ इसे प्रत्याशित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नजर देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार नहीं सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंतियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंटी की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकरा जिससे एक चिंगारी निकली इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलों
गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा, नियमित डेबिट को भी अपना अनुभव स्थित हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले सर्च के लिए थी के रिश्वन पैदा कर रही थी। एक शरण के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है, कुछ वास्तविक है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंठों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक भला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की उग्र तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जुड़ने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाले शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना। लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज के सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलेनोर ने बरामैट के खुले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलेनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धावकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे। तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक प्राचीन मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने, क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगी? लोर ने आंखों से आंसू आ गए। वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत। अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिनिधता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड, हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे की नियोजित उम्र को बात देने के वाले यार थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नृत्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझकते रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी। एथेल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है। घर की तलाश में नहीं था, फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबुद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद हफ्तों में बदल गए और अथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपनी दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए। क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़ी की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छु विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लोरा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल गई। उसने एक युवा जोड़ की दर्शा गया है, उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लोरा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी को महसूस करते हुए तस्वीर को उझाया, उसकी नज़रें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है? उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई। प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिससे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे
भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉरपोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें उसके सामने आई असह्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिबाजगन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है, कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिलनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही एक भावुक अमितनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्तन निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू के चाह की भूमिका निभाते हैं, जो संभवतः योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहा देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं, जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिबू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रों प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था, लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहेंगी, जबकि रिटॉप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। एलिनोर अपनी चांदी के बालों के बड़े किरणों के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डियन के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और गया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने था कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोड़ गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की, जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई। वो बातचीत ने बहल गई, शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं, वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उसका मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के एलेनोर प्रत्येक भव्य के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता एक अनोखे चाय की दुकान पर अर्ल ग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशी दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नज़र देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार ने सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंक्तियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली, इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित
हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले शख्स के लिए थी के रिसर्च पैदा कर रही थी। एक शहरन के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने के झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ। मेरे बीच एक चिंगारी है, कुछ वास्तविक, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंटों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक वाला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की उग्र तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ कुछ अजीब क्षण में। ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलेनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमल्ले की वीडियो के एलेनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निसंदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जुड़ने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाले शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना, लेकिन दुर्भाग्यवाधाय होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धावकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे, तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला, अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने, क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी? लेनोर ने आंखों से आंसू आ गए, वे दुख आया भाई के आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत, अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिनिधिता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड, हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले यार थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था, रोमांस की तलाश नहीं कर सकी। एथेल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है, घर की तलाश में नहीं था। फिर भी दुकान की शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद हफ्तों में बदल गए और अथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपनी दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए। क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था, ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़ी की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छु विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लोरा जिस पोशाक के जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल गई। उसने एक युवा जोड़ की दर्शाया गया है, उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटे पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लोरा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी को महसूस करते तस्वीर को उझाया, उसकी नज़रें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है? उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। क्या ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग की माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है
अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था। तुरंत लीला पर मोहित हो गया है। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने को बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें उसके सामने आई आश्चर्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाचकन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है, कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिरलिनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष पर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्तन निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू के चाह की भूमिका निभाते हैं, जो संभवत योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहा देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं, जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिव्यू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियों प्रभावशाली हो रहेगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमा अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंतत उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानिक बजट लगभग 12 करोड़ था, लेकिन यह भारत में अनुमानिक कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहोगी, जबकि रिटोप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। एलिनोर अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डिनर के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और गया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना, रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोर गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की, जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई। वो बातचीत ने बहल गई, शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं, वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के एलेनोर प्रत्येक भव्यों के पैर के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है, और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता एक अनोखे चाय की दुकान पर अलग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशाई दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी। लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नज़र देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर, वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार नहीं सिर के खोजने के लिए, तब भी जब पतझर की पंतियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली, इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा, नियमित डेविड को भी अपना अनुपस्थित
हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले शख्स के लिए थी के रिश्वत पैदा कर रही थी। एक शहरन के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ, मेरे बीच एक चिंगारी है, कुछ वास्तविक है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंठों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक वाला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की युग तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलनोर ने दोस्तों के लिए एक और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जुड़ने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्रों के साथ आने वाले शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना। लेकिन दुर्भाग्यवाधाय होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धावकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे, तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक प्राचीन मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? लेनोर ने आंखों से आंसू आ गए, वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत, अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिनिधता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड, हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले यार थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझकती रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी, एथल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है। घर की तलाश में नहीं था, फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद हफ्तों में बदल गए और अथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हबदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की खबरी के उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कड़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छु विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लोरा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल के उसने एक युवा जोड़ के दर्शाया गया है। उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटे पर खड़ा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लोरा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी की महसूस करते तस्वीर को उझाया, उसकी नजरें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है? उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग माया लेकर अंततः एक कठोर के पीछे
भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें उसके सामने आई असहयोग की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनाकिनी रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिवाजगन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिरलिनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्र निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू की चाह की भूमिका निभाते हैं, जो संभवतः योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहार देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं, जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बसरसु थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिबू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रही है। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था, लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहेंगी, जबकि रिटॉप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। लिनोन अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लैपटॉकर और कार्डियन के अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सौजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और अगाया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने चाहता कि ये दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रोफेसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोड़ गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल था जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की, जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई। वो बातचीत ने बहल गई, शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं, वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के एलेनोर प्रत्येक भव्यों के पेड़ के पीछे के इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियाँ बुनता है। एक अनोखे चाय की दुकान पर अर्ल ग्रे के गर्मा गर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्यासाई दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रत्यासाई दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नज़र देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार नहीं सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंतियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली, इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलोक पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुपस्थित
हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले शख्स के लिए थी के रिश्वन पैदा कर रही थी। एक शहरन के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ, मेरे बीच एक चिंगारी है, कुछ वास्तविक है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंटों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक भला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की उग्र तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ कुछ अजीब क्षण में। ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमूल्य की वीडियो के एलनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जुड़ने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाली शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना। लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धामुकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे, तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। लेनोर ने, क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगी? लेनोर ने आंखों से आंसू आ गए, वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत, अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिनिधता। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सके वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड, हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले यार थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझकत रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था, रोमांस की तलाश नहीं कर सकी। एथेल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है, घर की तलाश में नहीं था। फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन की लयबुद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद हफ्तों में बदल गए और अथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए। क्लारा के बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था, ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़ी के उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छ विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लोरा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल गई। उसने एक युवा जोड़ के दर्शाया गया है, उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लोरा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी को महसूस करते तस्वीर को उझाया, उसकी नजरें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है? उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। ऊपर देखा, उसकी आंखों असुपूरित आंसुओं से भर गई। प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे
भुला दिया गया। संघर्षशील अभिनेता लीला की परंपरागत प्रेम कहानी है। अरिबू मलेशिया से अपने गृहनगर लौट रहा था, तुरंत लीला पर मोहित हो गया। हालांकि लीला ने पास एक रहस्य और उनके परिवार को मानना है कि उनके पास शहर में एक कॉर्पोरेट नौकरी है जो स्टारडम का पीछा करने उसके सामने को बहुत दूर है। लीला की आपत्तियों के बावजूद उसका परिवार अरिबू के विवाह प्रस्ताव का आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें उसके सामने आई असह्य की दुनिया उत्पन्न हो जाता है। लीला आदि को अपने ही प्यार में संघ के प्रवेश करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसके बाद कहानी लीला का दिल जीतने के लिए सरल अरिबू के मीठी और अजीब कोशिशों के गोता लगाते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र महिला अपने सपनों का पीछा करते हुए एक अस्तित्व विवाह का जटिलताओं को उजागर करते हैं। 2024 में तमिल रोमकॉम रोमियो विजय एंटोनी और पिनार्मिली रवि की गतिशील जोड़ी है। एंटोनी जो अपने करिश्माई भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, प्यार की पहचान रखने वाले एक सफल व्यवसायी अरिबाजगन जिसे अरिबू के नाम से भी जाना जाता है, कि का कदम रखते हैं। उनके सामने आकर्षक मिलनी रवि है जो उद्यम में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष पर रही एक भावुक अभिनेत्री लीला का किरदार निभाते हैं। रवि का चित्रण निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के पसंद आएगा जिसने कभी भी सामने का पीछा नहीं होता है। लेकिन रोमियो सिर्फ दो हाथ वाला नहीं है, फिल्म में प्रतिभाशाली सहायक कलाकार है जो कहानियां परत जोड़ते हैं। अनुभवी अभिनेता टीटीटी गणेश अरिबू के चाह की भूमिका निभाते हैं, जो संभवतः योगल की यात्रा के दौरान कुछ हास्यास्पद राहत प्रदान करते हैं या ऋषि सहा देते हैं। सिद्ध तमिल हास्य अभिनेता योगी बाबू हास्य की एक और खुराक जोड़ते हैं, जिसकी उपस्थिति कहानी में हल्के फुल्के पल बुलाने का वादा करते हैं। कलाकारों में कलाई बस रसू थलाई बसल विजय सुधा और सीजा रवि है जो रिबू और लीला के माता पिता किरदार निभाते हैं। उनका समावेश परिवार की गतिशीलता में गहराई जोड़ते हैं, बाधाएं और समर्पण प्रणालियों के पैदा करते हैं। निसंदेह केंद्रीय प्रेम कहानियां प्रभावशाली हो रहेंगी। मुख्य जोड़ी की शानदार केमिस्ट्री से लेकर सहायक कलाकारों की कॉमेडी टाइमिंग और भावनात्मक वजन तक रोमियो की संभावना सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। 2024 की तमिल फिल्म रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत आशाजनक रही लेकिन अंततः उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है। फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 12 करोड़ था, लेकिन यह भारत में अनुमानित कुल 7.43 कमाई की कमाई थी। इससे पता चलता है कि फिल्म व्यावसायिक रूप सफल नहीं रहेंगी, जबकि रिटॉप्स की इस मजबूत शुरुआत दिखती होगी। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में भीतर 5.37 करोड़ की कमाई की, बाद में नाटकों प्रदर्शन के दौरान उसकी कमाई के काफ़ी गिरावट हो गई। एलिनोर अपनी चांदी के बालों के बड़े किरोने के एक जुड़े लेप्टोकर और कार्डिनर की अपने पतले फ्रेम के चिपकाए हुए एक अनुभवी खरीदार की सहजता से साथ हलचल भरे किसान बाजार में घूम रही थी। साल की उम्र में जीवन एक आरामदायक लय में और गया था। अपने गुलाब के बगीचे में देखभाल करना, स्थानीय पुस्तकालय में स्वयं सेवा करना और अपने दोस्तों के साथ कभी भी ब्रिज गेम खेलना रोमांस घर और एक ऐसा अध्याय था जिसमें बारे में अपने था कि यह दृढ़ता से बंद हो गया है जब तक वो डेविड से नहीं टकराए। डेविड एक सेवानिवृत्त इतिहास के प्रसर फटी हुई डेविड के जैकेटों के बवंडर और एक संक्रामक हंसी थी जिसमें उसकी आंखों के कोने को सिकोर गया था। वो पके हुए आंडू के एक थैले को टटोल खा जब एलेनोर ने सौ मुस्कान के साथ उनकी सहायता के पेशकश की, जो बात टूटे हुए फल पर साझा हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई। वो बातचीत ने बहल गई, शहद की तरह बहलने लगे। उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की और कुछ ही नहीं, वर्जीनिया वुल्फ ने उनका साझा प्यार उनके बीच संबंध का एक धागा बुन रहा था। उनकी बात की मुलाकातें एक आनंददायक अनुष्ठान बन गया था। उत्साह का मतलब था कि पार्क ने मीना से हटला के एलेनोर प्रत्येक भव्य के पेड़ के पीछे की इतिहास की ओर इशारा करता है और डेविड भूले हुए खोजकर्ताओं की कहानियां बुनता एक अनोखे चाय की दुकान पर अर्ल ग्रे के गर्मागर्म मग पर उन्होंने खोए हुए प्यार और प्रत्याशी दिल के दर्द के लिए एक ऐसा महसूस करते हैं जो गुलाब नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे प्रोत्साहित दोस्तों की उन्हें उम्मीदों से प्यार एक गर्मजोशी मिली। शरद ऋतु की एक दोपहर एक छिपी हुई किताबों की दुकान खोज करते समय डेविड ने नजर देन अयर के भूले हुए पहले संस्करण पर भी वो निश्चित रूप से जानता था कि आश्चर्य हुआ कि वो एलेनोर के लिए था। फ्लाईलीफ पर शिलालेख प्यार ने सिर के खोजने के लिए तब भी जब पतझर की पंक्तियों की गिरती थी उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। जब उसने एलिनोर के पुस्तक भेंट की तो उसका हाथ उसके हाथ से टकराया जिससे एक चिंगारी निकली, इसके उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद एलिनोर को गोलों पर जो जालते हैं जो वो उनके चारों ओर चुमती हुई लाल रंग की भक्तियों की प्रतिबिंबित कर रही थी। अचानक उनकी चिंताएं थोड़ा आराम महसूस हुआ। अच्छा नियमित डेविड को भी अपना अनुभव स्थित
हुआ और वो उनकी बातचीत उनकी इच्छाओं के लंबे समय तक रहने वाले शख्स के लिए थी के रिश्वत पैदा कर रही थी। एक शहरन के शाम की फ्रांसीसी क्रांति की विशेष रूप से मनोरम चर्चा के बाद एलनोर ने खुद को जाने की झिझक महसूस की। डेविड इसका दिल उसकी पसलियों पर धड़क रहा था ने एक गहरी सांस ली और कबूल किया, एलनोर में ठीक है, मैं अपने आप को इन वार्तालापों से अधिक के लिए तरसता पाता हूँ, मेरे बीच एक चिंगारी है, कुछ वास्तविक है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए एलनोर उसका दिल एक हमिंग बर्ड जो अपने पिंजरे में फंसा हुआ था उसके नज़र से मिला। डेविड उसके कबूल किया, उसके ठोंठों पर मुस्कान तैर गई थी। अभी कम से कम या इतना खुद नहीं होता जितना आपका दिमाग आपको बताता रहता है। उनका पहला चुंबन जो पहले झिझक भला था गर्मजोशी और भूल हुए जुनून के विस्फोट में बदला गया। यह यौवन की युग्ल तीव्रता नहीं थी बल्कि एक धीमा जलन थी, एक दूसरे के बाजों में सांत्वना पाने वाली आत्माओं की गहरी पहचान। उनका रिश्ता गमी बल्टच की तरह विकसित हुआ। कुछ अजीब क्षण में ऐसे ही उनके नए रोमांस पर उनके बच्चों का परंपरा आश्चर्य और थोड़ी आश्चर्यचकित। एलनोर ने दोस्त के लिए एक ही और भी और परत खोलते हैं। उसके बाद वो अमल्ले की वीडियो के एलनोर के प्रशंसकों के लिए एक और ऐसी खुशी मिली जिसके बारे में वो नहीं जानता था। निस्संदेह चुनौतियों थे एक दूसरे को सामुदायिक जरने के लिए अपने जीवन की सामुदायिक करना सीखित उम्र के साथ आने वाले शारीरिक सीमाओं को पार करना और पिछले रिश्तों के भूतों का सामना करना सीखना। लेकिन दुर्भाग्य बाधाएं होने के बजाय ये उनका बंधन मजबूत करने के अवसर बन गए थे। उन्होंने खुलकर बात करना, एक दूसरे के जीन का आश्रय मनाना और परिहार जो असफलताओं के दौरान आराम का स्रोत बनाना सीखा है। गर्मियों के शाम डूबते सूरज की सुनहरी चमक के दुनाते हुए एलनोर ने बरामैट के कूले पर नींबू पानी पीने के समय डेविड ने उसका हाथ थाम लिया। एलनोर के उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ धावकता से भरी हुई थी। तुम्हारे हाथ में पिछले कुछ साल मेरे जीवन के सबसे दुखद रहे, तुम मेरी दुनिया एक रोशनी वापस लेकर आई हो, एक ऐसी खुशी जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने फिर से अनुभव करूँगा। उसने अपनी बोझ के साथ डाला और एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। अंदर लाल मखमल के बिस्तर पर एक अंगूठी रखी हुई थी, एक प्राचीन मनी जो सीने की नाजुक पट्टी घिरी हुई थी। एलनोर ने, क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी? एलनोर ने आंखों से आंसू आ गए। वे दुख आया भाई की आंसू नहीं थे बल्कि शुद्ध खुश आंसू थे। उसके युवा दिनों में शादी एक बड़ी कथा थी, एक सुंदर अंत, अब ये एक वादा थी कि जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों का साथ सामना करने की प्रतिनिधित्व। लड़खड़ाने सांसों और गर्मियों के सूरज को टक्कर के देख सकते वाली मुस्कान के साथ कहने कहा, हाँ डेविड, हजार बार हाँ। उनकी शादी एक छोटे से धूप में शराब और बगीचे के नियोजित उम्रों को बात देने के वाले यार थर के बाहर बारिश में अपनी अनबरन लय जारी रखी जो उनके बातचीत के झिझक भरे नित्यों को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्लोरा अभी भी अपने पिछले प्यार में झिझक रही थी जिसमें उसके दिल को तार तार कर दिया था। रोमांस की तलाश नहीं कर सकी, एथेल लगातार आगे बढ़ते हुए अगले परफेवर शॉट का पीछा करती है। घर की तलाश में नहीं था, फिर भी दुकान के शांत जगह में रेशम की फुसफुसाहट और मशीन के लयबद्ध गड़गड़ाहट के बीच एक चिंगारी टिमटिमा रही थी। उसके बाद हफ्तों में बदल गए और एथन नियमित आगंतुक बन गया। वो सिर्फ बारिश में बचने के लिए नहीं आया था बल्कि अपने दुनिया की एक रास्ता में से बचने के लिए क्लारा को बीच योगों की कहानियों में खुद को सोने के लिए आया था। ये डिलीवरी में मदद करता था, चंबाई में पोशाकी की हफदानी से ले जाया था। उनकी मुलाकात पकड़े की कपड़े की उनकी उंगलियों से छूना था। जब क्लारा की जटिल कढ़ाई का वर्णन करती थी वो ध्यान से सुनता था। उसके कलाकार की खत में उन छुक्छुक विवरणों की सराहना करती थी जो वित्त योग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। एक दिन क्लोरा जिस पोशाक की जांच कर रही थी उसकी जेब में से एक धुंधली तस्वीर निकल गई। उसने एक युवा जोड़ की दर्शाया गया है, उनके चेहरे पर शुद्धशाली छलक रही थी जो उस प्यार का प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। लालसा की एक वेदना से क्लोरा की दिल को छलने कर दिया जो उसके खोए हुए प्यार की याद दिलाते हैं। एथन ने उसकी परेशानी की महसूस करते तस्वीर को उझाया, उसकी नज़रें उम्र कम कर दिया है, क्या वो आपको याद आती है? उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ में झिझक रही थी। क्लोरा ऊपर देखा, उसकी आंखों अश्रुपूरित आंसुओं से भर गई। प्यार और उसने फुसफुसाया, कभी कभी एक खूबसूरत पोशाक की तरह महसूस होता है जिसे कुछ समय के लिए संयोग माया लेकिन अंततः एक कठोर के पीछे भुला दिया गया।